महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, श्रीमान प्रहलाद जी और सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कुछ दिन और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देते हैं, हमें बेहतर भविष्य में और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज ये 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था, लेकिन साथ साथ आज 26 नवंबर दर्द भी पहुंचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा, उसे आज ही के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। 7 दशक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी, संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था और जहां पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता कृपलानी जी, हंसा मेहता, एलडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द की है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को स्मरण करता हूं और उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज अपनी बात की शुरुआत मैं आप सभी को बाबा साहब आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहां अनेक रिपब्लिक भी थे और उन्होंने आगे व्यथा व्यक्त की थी, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी गंवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को
चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता शायद किसी को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया है, बल्कि अपनी आजादी को, लोकतंत्र को और समृद्ध और सशक्त किया है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बीते 7 दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्ण रखने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्वक स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेष तौर पर 130 करोड़ भारतवासियों के सामने नतमस्तक हूं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के प्रति आस्था को कभी कम नहीं होने दिया, हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइट माना। संविधान के 70 वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निष्कर्ष का मिला जुला भाव लेकर के आए हैं। हर्ष ये है कि संविधान की भावना अटल और अडिग रही है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है, संविधान पर आंच नहीं आने दी है। उत्कर्ष इस बात को हम जरूर रजिस्टर करते हैं कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। हमने तमाम सुधार मिलजुल करके संविधान के दायरे में रह करके किए हैं और निष्कर्ष ये हैं कि ये विशाल और विविध भरा भारत प्रगति के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ संविधान, संविधान की मर्यादाएं, संविधान की भावना, यही एकमात्र रास्ता है। एषः पन्थाः। हमारा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारी परंपराओं, हमारे मान्यताओं, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, उन सब के साथ का समावेश है, साथ साथ अनेक चुनौतियों का समाधान भी है। हमारा संविधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है। आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल किले के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊंगा। संविधान को अगर दो सरल शब्दों में कहना है, सरल भाषा में कहना है, तो कहूंगा डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया। इन्हीं दो मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है, नागरिक की डिग्निटी को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। यह न केवल
अधिकारों के प्रति सजग हैं बल्कि हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। एक दृष्टि से हमारा संविधान दुनिया में सबसे अधिक पंथ निरपेक्ष है। हमें क्या करना है, कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुंचना है, इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। संविधान में ही अधिकार की बात है और संविधान में ही कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा है। क्या हम एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देशवासियों के सपने हमसे अपेक्षा करते हैं? जैसा कि राजेंद्र बाबू जी ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है उसको हमें कन्वेंशन से स्थापित करना होगा, और यही भारत की विशेषता भी है। बीते दशकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्यक भी था, ठीक भी था, क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित रखा गया था। बिना अधिकारों से परिचय कराए इस बड़े वर्ग को समानता, समता और न्याय का एहसास दिला पाना संभव नहीं था। लेकिन आज समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों, अपने दायित्व पर मंथन करना ही होगा, क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को महात्मा गांधी जी ने बहुत ही विशेष रूप से बखूबी समझाया था। आज जब देश पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगिक हो जाती है। वो कहते थे, राइट इज ड्यूटी वेल परफॉर्म। उन्होंने एक जगह लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपढ़ लेकिन समझदार मां से सीखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निष्ठा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआती दशकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी, तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था, आइए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन के बारे में बात करते हैं। 1947 में यूनेस्को के महानिर्देशक डॉक्टर जूलियन हस्कले ने विश्व के 60 बड़े महानुभावों को, बड़ी भारी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मार्गदर्शन मांगा था, और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बनाना है तो उसका आधार क्या हो, और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राय मांगी थी, महात्मा गांधी जी से भी मांगी थी, लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अभिप्राय दिया महात्मा गांधी का कुछ अलग था। महात्मा जी ने कहा था, उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जब नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं, यानी एक प्रकार से कर्तव्यों में ही अधिकारों की रक्षा है, इसकी वकालत
महात्मा गांधी ने उस समय भी की थी। जब हम दायित्व की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये बहुत ही सामान्य जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाने से एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। और हमें यह भी बहुत स्पष्ट ध्यान देना होगा कि कर्तव्य और सेवा, कभी कभी हम सेवा को ही कर्तव्य मान लेते हैं, सेवा भाव संस्कार हर समाज के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन सेवा भाव से भी कर्तव्य कुछ और है और उस पर कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूरत है, आप करते हैं, वो एक प्रकार से सेवा भाव है। ये सेवा भाव किसी भी समाज को, मानवता को बहुत सशक्त करता है, लेकिन कर्तव्य भाव इससे थोड़ा अलग है। रोड पर किसी को तकलीफ हुई, आपने मदद की, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया और कभी किसी को तकलीफ न हो, ऐसी व्यवस्था का मैं हिस्सा बना, वो मेरा कर्तव्य है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है? कि परिवार के सदस्य के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्ति बढ़े, उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकत बढ़े, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो। एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो माँ बाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन वे माँ बाप जागरूकता पूर्वक अपने बच्चे को मातृभाषा सीखने का आग्रह रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं, देश सेवा का कर्तव्य निभाते हैं। और इसलिए एक व्यक्ति, छोटी छोटी चीजें होती है, अगर बूंद बूंद पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तव्य भी निभाता है। अगर टीकाकरण सामने से जाकर के टीकाकरण का काम पूरा कर लेता है, किसी को घर पे आकर याद नहीं कराना पड़ता, वो अपना कर्तव्य निभाता है। वोट देने के लिए समझाना ना पड़े, वोट देने के लिए जाता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है। समय पर टैक्स देना है, देता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा कई दायित्व होते हैं जो एक नागरिक के रूप में, सहज व्यवस्था के रूप में हम विकसित करें, संस्कार के रूप में विकसित करें, तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ती है। ये सवाल जब तक देश के प्रत्येक नागरिक के चित्त में, उसकी चेतना में सर्वोपरि नहीं होंगे, हमारे नागरिक कर्तव्य कहीं न कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार को हानि पहुंचाते हैं। और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने कर्तव्यों पर बल देना हम लोगों का दायित्व बनता है। और प्रतिनिधि के नाते हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधिक होती है, दोहरी होती है। हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को मजबूत करने के साथ साथ खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। और हमें समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए इस कर्तव्य को भी निभाना ही होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कार्यक्रम में, हर बातचीत में हम ड्यूटीज पर फोकस करें। जनता के साथ संवाद करते समय ड्यूटीज की बात करना हम न भूलें। हमारा संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ही इसकी ताकत है, हम ही इसकी प्रेरणा है और हम ही इसका उद्देश्य है। मैं जो कुछ हूं वह समाज के लिए हूं, देश के लिए हूं, यही कर्तव्य भाव हमारी प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ
मिलकर भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करें। आइए अपने गणतंत्र को हम कर्तव्यों से ओतप्रोत नई संस्कृति की तरफ लेकर के जाएं। आइए हम सब देश के नव नागरिक बने, नेक नागरिक बने। मैं कामना करता हूं कि संविधान दिवस हमारे संविधान के आदर्शों को कायम रखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को बल दे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने की हमें शक्ति दे। और ये पवित्र धरती है, जहां ये मंथन हुआ था यहां पर उसकी गूंज है। ये गूंज हमें अवश्य आशीर्वाद देगी, ये गूंज हमें अवश्य प्रेरणा देगी, ये गूंज हमें अवश्य शक्ति देगी, ये गूंज हमें अवश्य दिशा देगी। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आज संविधान दिवस के पवित्र मौके पर पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर को प्रणाम करता हूँ, संविधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूँ और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।